अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ मेरी सुबह का आगाज़ हो गया। यहाँ मैं कर रही थी किचन की सफाई, और भाई कुछ दिन से था मेरे बहुत सर में दर्द, तो सर के दर्द का इलाज भी मिल गया। मेरी हो गई है आई सेट्स वीक, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्लासेस बन गए हैं। मेरी दूर के करीब ही मेरी आई सेट्स वीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है मुझे थोड़ा रिलीव है, तो अब मैं क्लासेस लगा के काम कर रही हूँ। जैसे मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा वो भी है। अच्छा, यहाँ ज़ैनब मुझे बताने आई थी कि मम्मा मुझे झूले पर बैठना है। ज़ैनब की भी हमने एक्टिविटी की सोल्यूशन ढूंढ लिया है, थोड़ा टाइम पास अपने झूले पर भी कर लेती हैं। तो ज़ैनब यहाँ झूल रही थी झूला। मैं किचन में गई हूँ क्योंकि मॉर्निंग है और मुझे देखना है नाश्ता। यहाँ चाय मैंने रखी हुई थी। अच्छा, ये देखिए मेरे झूले का हाल, क्योंकि मैं थी कुछ दिनों से बीमार, तो बस बच्चे देख रहे थे। कुकिंग तो मैं कर रही थी, अदरवाइज मैं इतना नीट एंड क्लीन नहीं कर रही थी। तो ये देखिए झूला भी बहुत गंदा हो रहा है, आज मुझे ये भी साफ़ करना है। झूला बहुत गंदा हो रहा है, आज इन सब की सफाई होगी। बाकी सारा मार्बल और बाकी हिस्से भी साफ करना है। तो यहाँ मेरा बन रहा है नाश्ता, अलहमदुल्ला चाय बन गई है। अब मैं यहाँ पे निकाल के बाकी बच्चों को नाश्ता दूँगी। अब जैसे सर्दियाँ बढ़ गई हैं ना, तो मैंने क्या किया, मक्खन को मैंने डिफ्रोज करने के लिए पानी में रख दिया था, ताकि मेरा बटर जो है थोड़ा नॉर्मल हो जाए। यहाँ लग गया है ज़ैनब का झूला, झूला झूला झूला, और ऊपर लग गई है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के लिए बास्केट, हाँ वहाँ टावल टंगा। ये रस्सी निकाल दी थी मैंने, खुद बांध दिया, मुझे मुश्किल हो जाएगी फिर। तोड़ दिया था, गंदी बच्ची है। यहाँ एज यूजल हमने डाल दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने ये डबल डिश यहाँ रखी है, डबल पोर्शन। यहाँ पे बाजरा, यहाँ रोटी हमारे परिंदों के लिए। अभी कुछ दिन में इंशाल्लाह हम ले लेंगे मिट्टी के बर्तन, वो मैं डिलीट कर दूंगी अभी जो आपने किया। मज़ा आ रहा है ज़ैनब को? चल, ये हो गया इनका थोड़ा सा प्ले एरिया। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस साइड को बनाऊंगी प्ले एरिया। यहाँ मैंने डाल देना कर्टन्स हैवी अब, क्योंकि अब ठंड आ रही है। यहाँ कारपेट डाल के मैंने बना देना ज़ैनब के लिए प्ले एरिया। यहाँ पे लगा दूँगी झूला ज़ैनब के लिए, और यहाँ तो चलो बास्केटबॉल है। यहाँ ये दिन में ही खेला करेंगे, रात में तो नहीं खेल सकते, तो ये डिसाइड। अच्छा, अभी बन रहे हैं हमारी टिक्का मैक्रोनी, और ये बना रही है आमना। आमना ने ये बॉईल कर दिए हैं, ये देखो अच्छे लग रहे हैं बॉईल हुए। अब जो है आगे की रेसिपी जो है लेके चलते हैं। ये ज़ैनब के लिए निकाला है ना, क्योंकि तो बिल्कुल लाइट खाती है, तो इसमें सिर्फ मायो और कुछ ऐसा डाल देंगे ब्लैक पेपर वगैरह के, ज़ैनब इजीली खा ले। बाकी आपने इसमें ऑयल डाला? नो। चलो अच्छे से पहले ड्रेन आउट करना है, आप वो लेके आओ, स्टैंडर्ड लेके आओ, बड़ा वाला वाइट। अच्छा, ये भी हम अपने ही मसाले में बनाएंगे। ये टिक्का बूटी मसाला है, ये देखिए इस तरह से, सॉरी जैम नजर है, मैं इस तरह से बॉटल्स में डाल देती हूँ। ये पाउडर में है, और ये घर का बना हुआ है ये टिक्का बूटी मसाला। ये देखिए मैं इस तरह से बॉटल्स पे लिख देती हूँ। एक और बॉटल है वो भी दिखाती हूँ, ये है मिक्स मसाला, या आप किसी भी कढ़ाई में या किसी में डालते हैं। बाकी ये है जो मैंने लास्ट टाइम दिखा था दम बिरयानी में, बिरयानी मसाला। ध्यान से देखो अपने ऊपर नहीं गिरा लेना। मसाला थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, ऑनियन भी इसी तरह चॉप होगी। इसमें हम एक चिली कर देंगे, ये टोमेटोज हो गए, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेगा, और ये टिक्का बूटी मसाला, और ये हाफ मैं इसमें डाल रही हूँ कि बच्चे इतने शौक से नहीं खाते ऑनियन,
इसको भी ऐसे बस चॉप कर लूंगी बारीक बारीक। बहुत इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है ये रेसिपी। अभी चिकन वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं था तो बस ऐसी इजी रेसिपी बना रहे हैं। अच्छा चाहे ना इसमें एग्स भी बॉईल करके डाल सकते हैं, तो आपके ऊपर है। इसमें जो 2 टेबलस्पून के दरमियान आप डालेंगे ऑयल। ये जब गर्म होगा सही पकड़ा करो, फिर मुझे एडिटिंग में बहुत मसला होता है, ठीक है। फिर जो है ना इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने कट किया है ना सारा मसाला, ये डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा थोड़ा ना सॉस ऐड कर दूँ थोड़ा टेस्ट के लिए। चल गई हाफ हो जाए, मैंने तो लौंग भी लगाई हुई थी, तबीयत अचानक से प्रोग्राम बन गया। आमला की फरमाइश से डल रहा है कन्नौज, ये कौन सा चटपटा है, ये सादा चटपटा। ओहो बस थोड़ा सा ही डालूंगी फिर मैं फ्लेवर के लिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टिक्का मसाला भी एक मिर्च भी डाली है, तो लोग ऐसे इसे मिर्चे नहीं खाते। जिसको थोड़ी देर के ना कवर कर देगा कि टमाटर वगैरह गल जाए। अच्छा ये हो गया है, टोमेटोज भी गल गए, ऑनियन भी, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मैक्रोनीस। मैंने इसमें ऑयल भी डाला था ताकि ये जुड़े ना। देखिए झटपट और बहुत यम्मी बनते हैं। इसमें ना चिकन है ना कोई वेजिटेबल है, हालांकि वेजिटेबल्स रखी हुई थी, मटर भी थे, सब था, लेकिन बच्चे ने शौक से खाते रहते हैं। तो ये देखें ये बन गए हमारे टिक्का मैक्रोनी। इसको 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि फ्लेवर इसमें ऐड हो मैक्रोनी इसमें। ये देखें ज़ैनब की तैयारी, ये खुद ही तैयार हो गया, ये कितना प्यारा ड्रेसअप किया है ज़ैनब, क्यूटी। आज जरा पिक्चर लूँ आपके, और चलो अच्छा बाद में लेती हूँ। हमारे ये हो गए हैं डिश आउट। अब इसके आप डालें केचप और मेयोनेज, बहुत ही अच्छा लगता है, जो भी पसंद आएगा। आधी मेहनत तो आमना की थी, आमना ने बॉईल कर दिए थे जी। आमना मैडम
जी रूबी, शेफ रूबी, क्या रूबी का किचन है। थैंक यू सो मच। ये रही हमारी मैक्रोनी, ये रही मेरी प्लेट, ये रही जैनब के सिमायो में और केचप में, लेकिन जैनब गायब है, वो अपनी दादू के साथ ये बातें कर रही हैं, तो जब वो आएंगी तो बाकी का अपना खुद खा लेंगी। तो जैनब खा के बताओ, जैनब आ गई है, माशाल्लाह जैनब की लंबी उम्र है। वाले हैं ही नहीं, मैंने सिर्फ मायोनीज और केचप डाला, आप खा के बताओ कैसे लगा, बताएं आप कैसे लगा। ये हुई ना बात, देखा थम्स अप, ये होते हैं रिव्यूज। थैंक यू सो मच।